लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दो। ठीक है सर। कार्तिक, कल ऑपरेशन टाइम पर शुरू करना है, कोई प्रॉब्लम हुई तो इन्फॉर्म करना। ओके सर। तुम्हारी बाइक है ना? हाँ सर। की देना। किडनैपिंग कल शाम तेलंगाना के किसान भवन के पास स्थित पार्क में से 8 साल की बच्ची मेघना अपने पापा के साथ खेलने आई थी। वो किडनैपर का शिकार बनी। थर्ड टाउन के सीआई गंगाधर जी ने किडनैप हुई लड़की को ढूंढ निकालने का वादा किया है और उनके माता पिता को आश्वासन दिया है कि वो चिंता ना करे। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए ऑल इंडिया रेडियो 103.5 पर ट्यून करें। गुड मॉर्निंग सर। रफीक पाशा। यस सर। ओह मां अनु। हाँ? हमारा घर इन्होंने ही ढूंढ के दिया है। हेलो मैडम। यहाँ के लोकल एसआई है।
पानी की प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, पूरा दिन पानी रहता है। सच बोल रहे हो ना? पापा, गुड्डी को जरा अंदर ले आना। संभल कर पापा। पापा कॉफी। हाँ थैंक यू बेटी। रफीक कॉफी ले लो। थैंक यू मैडम। मैडम क्यों बोल रहे हो? दीदी बोलो। ठीक है दीदी। पर मैं जीजा नहीं हूँ, याद रखना। साईराम तुम मुझे अंकल बुला सकते? ठीक है सर। अच्छा सुनो, हमारी बेटी थर्ड स्टैंडर्ड में है, कोई अच्छी स्कूल हो तो बता देना। बता दूंगा। ठीक है दीदी, पता लगते ही बताता हूँ। ठीक है। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मैडम बच्चे के स्कूल के बारे में पूछ रही थी ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल है क्या? स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ की प्रिंसिपल को अच्छे से जानता हूँ, आपकी उनसे बात करवा देता हूँ। थैंक यू रफीक। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बैठो बैठो। मम्मी मेरा नाम रमा देवी है, इस स्कूल की प्रिंसिपल। एसआई सर ने आपके बारे में बताया था। ये मेरी बेटी पावनी है। बेटा प्रिंसिपल को हेलो बोलो। हाय मैडम। हाय। मेरी बेटी पढ़ाई में थोड़ी वीक है, आपको इस पे जरा ज्यादा ध्यान देना होगा। जरूर देंगे। शो ये एडमिशन फॉर्म फिल करके भेज देना। शो। चलो बेटा मैडम को बाय कहो। बाय मैडम। बाय। आइसक्रीम आइसक्रीम। बेटा आ जाओ। नमस्ते सर। हाँ रफीक। सर आप जल्दी से स्टेशन आ जाइए। सर ये बच्ची मिसिंग है। आखिरी बार ये कहाँ पर गई थी? सर डांस स्कूल गई थी मेरी बेटी, और उसके बाद घर ही नहीं लौटी सर। अब बैठिए। मैडम। हाँ बोलिए सर। दो दिन पहले आपके स्कूल के पास से एक लड़की किडनैप हो गई। यस सर, हमारे स्कूल की ही है। रोज क्लास कितने बजे खत्म होती है? रोज 5 बजे खत्म हो जाती है सर। क्लास खत्म होते ही वो सामने वाली गली से राइट लेके अपने घर चली जाती है सर। थैंक यू, आप जारी रखिए। ओके सर। हाँ बच्चों, तधिन तधिन ताधिन तततधिन। वो फुटेज इसमें है सर। कैम 2 को जूम करो सर। ये वही लड़की है, इस लड़की पर जूम करो। थैंक यू सर। पानी लीजिए। पुलिस भी परेशान, पुलिस डिपार्टमेंट चप्पा चप्पा छान रही है। शहर में सिर्फ 8 साल की लड़कियों की ही किडनैपिंग क्यों? सुनो जी। मुझे गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए बहुत डर लग रहा है। अनु, एक सीआई की बीवी होने के बाद भी इतना डर रही हो? हमारी गुड्डी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना।
तुम सो जाओ। ये वाली चाहिए? और ये देखो चॉकलेट, ये तुम्हारे। बाय डैडी। अच्छे से पढ़ना, पहले ये सब साफ कर देना, फिर ठीक है मैं। बाय बाय डैडी, बाय मम्मी। चले बेटा, चॉकलेट चाहिए? ठीक है, तुम जाओ। ओके मैडम, ये लो। ये लो बेटा। थैंक्स आंटी। बाय बाय। चले ना। हाँ सर, मैं लैब टेक्नीशियन संजीव रेड्डी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपने जो आइसक्रीम की स्टिक दी थी, उस पर ड्रग के सैंपल मिले हैं सर। ये ड्रग लेने वाला 6 घंटे से लेकर 2 दिन तक बेहोश रह सकता है। थैंक यू डॉक्टर। रफीक सर, जो बच्ची डांस स्कूल के बाहर से किडनैप हुई है, वो टू टाउन एरिया की है। उस एरिया के सारे आइसक्रीम वेंडर मुझे इस पुलिस स्टेशन में चाहिए। यस सर। तुम सब लोग इस टू टाउन एरिया में आइसक्रीम बेचते हो ना? तुम में से किसी एक की आइसक्रीम खा के एक छोटी बच्ची बेहोश होकर गिर गई और उसी दिन वो बच्ची किडनैप हो गई। तुम में से वो बंदा कौन है हम जानते हैं। अगर खुद से सामने आ जाओगे तो सजा कम मिलेगी, नहीं तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। चल बता, बता वो बच्चे कहाँ है? मुझे नहीं पता है सर। ये बच्चों को मिलावट वाली आइसक्रीम बेचता है? बता, बता वो बच्ची कहाँ है? बता, तूने किडनैप किया ना उसे? बता, बता कहाँ है बच्ची? रफीक, छोड़ दीजिए सर। सर, इन सब को जाने दो। सर, अब मुझे क्यों मार रहे हैं? उसने किया है ना? वो हमारा कांस्टेबल है। सर, गुड जॉब ईश्वरी। ओके सर, कीप इट अप। थैंक यू सर। सर, तेरी तो सर, सर बता, सर बता, तेरे कितने आदमी हैं? सर, परंगल में बेचता है, दूसरे शहरों में भी? कुछ नहीं, बता। सर मैं सच बोल रहा हूँ। वाली दवाई डालकर छोटे छोटे बच्चों को बेचता है और उन्हें किडनैप करता फिरता है। बता, ये सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। दिखाओ दीजिए। रफीक रुक जाओ। Hey, बता कौन है वो? सर मुझे नहीं पता कौन है सर, पर कभी कभी मेरे पास आता है, आइसक्रीम और पैसे देकर जाता है। मैंने बस पैसों के लिए किया सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। थैंक यू भैया। बेटा बोलो दीदी, बिस्किट खाओगी? ये लो बिस्किट। थैंक यू दीदी। इधर आ।
सिरा ये खोल के दिखा। कचरे साहब। तो ये खून कैसा है? खोल के दिखा, खोल इसे। हाँ ठीक है ठीक है। क्या सोच रहे हो तुम? कल भी एक लड़की को किडनैप किया गया है। सिर्फ 8 साल की बच्चियों को किडनैप करके किडनैपर कर क्या रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अनु। इसीलिए तो मैं गुड्डी को स्कूल भेजना ही नहीं चाहती हूँ। अनु। हेलो। मैंने पहले भी कहा है ना। What? इसे बार बार डिस्कस मत किया करो। स्कूल मिस नहीं होना। सर, एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। क्या? अनु तुम घर जाओ। चलो। हाँ। सर। बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है? नहीं सर। तो क्या ऑर्गन्स गायब है? ऑर्गन्स को कुछ नहीं हुआ है, पर बच्ची के बॉडी में दिल नहीं है। आज ना जमाना मा हार्ट ट्रांसप्लांट करना कोई बड़ी बात नहीं है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप अने एज मने मोकली दो, बाकी मैं देख लूंगा। आइए मैडम। ठीक है, भले भले। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर। सर राखो अबे। सर ये टू टाउन पुलिस स्टेशन के सीआई की मिसेस हैं सर। जय श्री कृष्णा, बैठिए। डॉक्टर मेरी बेटी को बहुत बुखार है और ठीक से खा भी नहीं रही है। छोकरी का नाम क्या है? पावनी। पावनी कितने साल की है वो? 8 साल की है डॉक्टर। टैबलेट लिख के दे रहा हूँ, बे दिवस माटे दे देना। अगर आराम नहीं मिला तो पच्ची हॉस्पिटल लेकर आ जाना। ठीक है डॉक्टर। हाँ। थैंक यू डॉक्टर। आओ जो आओ जो। हेलो सर, मैं अक्कम पेट से बोल रहा हूँ। यहाँ खेत में एक बच्ची की लाश है सर। लाश को कब देखा तुमने? आज सुबह 5 बजे देखा सर। रात को 11 बजे के करीब जब मैं घर आया तो लाश यहाँ पे नहीं थी, पर सुबह जब वापस आया तो लाश यहाँ पे पड़ी हुई थी। आप लोग जाओ। मतलब रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में किसी ने लाश को यहाँ पर फेंका है, मतलब सब अंधेरे में हुआ। पर इस टाइम ही क्यों सर? क्योंकि इस बीच गाँव में लाइट चली जाती है, सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करेगा, वो सब जानता है। पूरा इलाका चेक करना पड़ेगा। रात को यहाँ बर्थडे पार्टी हो रही थी सर, केक एकदम फ्रेश है। हाँ
सर, लगता किसी साइको का काम है। इतनी बेरहमी से बच्चों का दिल निकाल कर उसे मार देता है, उसका मोटिव समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे लग रहा है कि ये सब पैसों के लिए हो रहा है। छोटे बच्चों का दिल कोई पैसे देकर खरीद रहा है। हार्ट निकालने के 4 घंटे बाद ही हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। रफीक सर, वारंगल के आसपास के हॉस्पिटल्स में चेक करो, रिसेंटली किसी की हार्ट सर्जरी हुई है क्या? यस सर। खासकर किसी 8 साल के बच्चे की। और हाँ, साथ में ये बर्थडे पार्टी मनाने वालों को स्टेशन लेके आओ जरा। चलो। ओके सर। आओ इधर खड़े हो जाओ। सर, उस खेत के पास पार्टी करने वाले यही लड़के लोग हैं। सर सर, बर्थडे मेरा था सर, पर बियर पीने इसने बुलाया था मुझे। मुझे क्यों फंसा रहा है? सर, बियर पीने के लिए मैंने ही बोला था, पर डेड बॉडी से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। इस पार्टी के बारे में हमारे पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है सर, प्लीज बताइएगा मत सर, प्लीज सर, प्लीज। रात में हमने वीडियो निकाला था सर, जो भी हुआ होगा इस वीडियो में रिकॉर्ड है। ए, अपना फोन दिखा। ये लीजिए सर। इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा सर, तुम लोग जाओ। थैंक यू सर। ए, हाँ सर। हाँ सर, मोबाइल देना। ए, फोन ये लीजिए सर। सर, ये तो स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल की वैन है। नमस्ते, नमस्ते सर। ये 00057 वैन का ड्राइवर कौन है? 00057 ड्राइवर राज, वो रहा, वहां सिगरेट पी रहा है ना, वही है। माफ कर दो सर, मैं चेन लौटा दूंगा, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा सर। बच्चियों की जान लेता है। हाँ सर, मैंने एक बच्ची की चेन चुराई थी सर, इसलिए तो आपको देख के डर के भागा था सर। प्लीज सर, मुझे मारने मत सर। क्या हुआ सर? मैडम, ये स्कूल की छोटी बच्चियों की सोने की चेन चुराता है, क्या हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? श्योर सर। कौन से डेट की फुटेज दिखाऊं सर? 13 जुलाई। ओके सर। फॉरवर्ड, थोड़ा और फॉरवर्ड कीजिए। ओके सर। फॉरवर्ड, कैम 4 को जूम कीजिए। अगर स्कूल वैन रात भर यहीं पर थी, मतलब दूसरी इसी नंबर की वैन घूम रही है। यह डुप्लीकेट वैन बच्चों को किडनैप कर रही है और उसी वैन को ढूंढना है। केशव, तुम्हारे टू टाउन में चार्ज लेने के बाद 6 किडनैपिंग और 2 बच्चों का मर्डर हो चुका है। क्या ये? आखिर क्या कर रहे हो तुम लोग? सॉरी सर, बच्चों की हत्या का दुख मुझे भी बहुत हो रहा है, इसीलिए सर बच्चों के पार्क के पास, एलिमेंट्री स्कूल के पास पुलिस का कड़क पहरा लगाया है। सर, मुझे नहीं लगता ये एक आदमी का काम है सर। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़े गैंग का हाथ है सर। पकड़।
पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। रुको, रुक जाओ। केशव, क्या कर रहे हो तुम? ड्यूटी कर रहे हो या सो रहे हो? सर, आप मेरी बात तो सुनिए सर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। क्या सुनूं मैं? सुनिए सर, मैं कह रहा हूँ आपसे कि मीडिया में पुलिस डिपार्टमेंट पर थूथू हो रही है, होम मिनिस्टर हम पर नाराज हो रहे हैं। सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे, आप सुनिए। दो तो दिन में अगर किडनैपर नहीं पकड़ा गया तो सस्पेंड कर दूंगा मैं तुम्हें, निकम्मा कहीं का। सर, सर मेरी बीवी घर में अकेली है सर, मुझे जाने दीजिए ना सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है सर। सूरज किधर मर गया? भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। मुंबई से भाई का कॉल आया था, काकीनाड़ा से मुंबई जाने वाली शिप दो दिनों में आ जाएगी, तब तक इन बच्चों को हमें काकीनाड़ा में शिफ्ट करना होगा। इस केस को पुलिस वालों ने सीरियसली ले लिया है, हमें थोड़ा होशियार रहना होगा भाई। पुलिस लोग क्या करेंगे रे भाई, कुछ नहीं होएगा। मॉर्निंग सर। रफीक सर, बच्चों को किडनैप करने वाला यही है, सारे पुलिस स्टेशन और पेपर में इसकी फोटो भिजवा दो। ओके सर। सर, सीआई साहब से मिलना है। स्टॉप। सर अभी थोड़े बिजी हैं। प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। मेरी बेटी जब कॉलेज जाती है तो एक गुंडा रास्ते में उसे छेड़ता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सर अभी किसी केस में बहुत बिजी है, आप लोग बाद में आइएगा। मेरी बेटी एक हफ्ते से कॉलेज नहीं गई है, बाहर निकलने से डरती है, इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तब भी आप ऐसा ही कहते? ऐसी बात नहीं है भाई, देखिए चल रहा है। सर, सर आखिर क्या प्रॉब्लम है? सर, दो दिन पहले स्कूल से आते वक्त किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की। छोड़ो, चुप हो जाओ। ठीक है, समझ गया मैं। रफीक, इस केस को तुम हैंडल। यस सर। आइए। इसका क्लोजअप लिया है ना? हाँ सर, लिया है। इसी रोड पर हुआ था? उस नुक्कड़ पे सर। वो किस टाइम पर आता है? स्कूल टाइम पर आता है। रोज आता है क्या? यस सर। सुनो, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम बिंदास आगे चलो। ये क्या सर, एक लड़की को अकेले भेज रहे? वेंकट, तुम रोड के कोने पर खड़े हो जाओ। यस सर। सुरेश, लड़की से 10 फीट दूर रहना। चिंता मत कीजिए सर, हम संभाल लेंगे। डरो मत बेटा, तुम जाओ। आप बैठ जाइए जी।
ए, अपन गाइस वेट कर रही है ना तू यहाँ पर? क्या रे, दो दिन से कहाँ छिप कर बैठे थी तू? बच्चों को किडनैप करने वाला आदमी उसी लड़की को छेड़ रहे सर। सर कहाँ गई थी रे? तुमने ठीक से देखा है ना? आर यू श्योर? यस सर, ये कंफर्म वही है। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, उसे जाने मत देना। अपन तेरे वास्ते तरस रहा था, उस दिन का टच अच्छा लगा ना? इज्जत से मान जा। माँ, उनके हाथ में गन है। सर सर सर, प्लीज आगे मत जाइए। उसे कुछ मत करना प्लीज। नहीं, नहीं बहनों, रुक जा। सर, रोमियो। सर, सर। ए जा प्लीज, उसे कुछ मत करना। भाई रुक। पीछाट, पीछाट। रोमियो। अपन का पीछा किया तो काट दूँगा। हट यहाँ से। ये आगे मत आ। रिक्शा निकाल, चलो आप पकड़ के दिखा। Hey, सीनू भाई को पुलिस ने घेर लिया है। मेरी बेटी कहीं दिख नहीं रही है। हमारी बच्ची कहाँ है? सर, इन बच्चियों में मेरी बेटी नहीं है सर। आपकी बेटी का नाम क्या है? अनीता है सर। अनीता। सर, टोटल 12 बच्चे किडनैप हुए थे, जिसमें से 2 की लाश मिली थी। हमने 9 को छुड़वाया सर, पर इनकी बेटी अभी भी मिसिंग है। तूने झूठ कहा ना? बता कहाँ है वो लड़की? बता कहाँ छुपा के रखा है? सच बता, मार तो नहीं दिया ना उसे? 9 बच्चों को किडनैप किया सर, वो किधर है मेरे को नहीं मालूम। बोल, लड़की को कहाँ छुपा के रखा है? बोल।
देख, 12 लड़कियां किडनैप हुई थी, उनमें से 2 मर चुकी हैं, 9 को हमने छुड़ा लिया है, बाकी बची एक लड़की कहाँ है? अपन मुंबई में इनको सप्लाई करता है सर, सप्लाई करने के पैसे मिलते सर, अपन इनको मार के क्या करेगा सर? कभी ने कही के मैं सच बोल रहा हूँ सर, शर्मी आती बच्चियों को मारता है सर, किडनैप करता है, रुकिए सर, मर जाएगा, जान से मार दूंगा, छोड़ रुके, प्लीज छोड़, रुकिए सर, मैं इससे चिंता नहीं छोड़ूंगा, कमान कही का छोड़ो, हेलो रुके 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 कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए मैडम, यहाँ के किस कोने में क्लू मिलेगा मुझे? केस को कहां से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, हमें एक भी क्लू नहीं मिला है। रफीक सर, इस शू मार्क्स की फोटो निकालकर फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। ओके सर। रिपोर्ट्स को अर्जेंट मेरे पास लाने को कहो, अगर ना माने तो मुझसे बात कराओ। मेरा नाम रोमा है, मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट की डॉक्टर हूँ और इन तीनों बच्चों की रिपोर्ट मैंने ही बनाई थी सर। इन बच्चों को किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन करके ही मारा है। एक और बात, ऑपरेशन के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट ही यूज किए गए हैं सर। थैंक यू। रफीक सर, शहर में जितने सर्जिकल शॉप्स हैं सबकी डिटेल्स लाओ। जी सर, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, बोलिए। हम टू टाउन पुलिस स्टेशन से आए हैं। बोलिए ना सर। टेंशन की कोई बात नहीं है, हम सारे सर्जिकल शॉप्स की इंक्वायरी कर रहे हैं। ये बताइए, जुलाई महीने के पहले हॉस्पिटल्स में से या किसी आदमी ने या किसी डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी के रिलेटेड कोई इक्विपमेंट्स खरीदे थे क्या? एक मिनट दीजिए सर। मई 5 को रमा हॉस्पिटल ने मंगवाया था सर, जून 27 को अशोक हॉस्पिटल ने भी खरीदा था और जुलाई 10 को सुधाकर नाम के एक आदमी ने खरीदा था सर। तुम्हारी शॉप में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं है सर। सिस्टम में चेक करके सुधाकर की डिटेल्स दो। एक मिनट सर। फोन नंबर है सर। बताइए। 81240-55667। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच्ड ऑफ है। उसका फोन बंद आ रहा है सर। आप हमारी एक हेल्प कर सकती हैं क्या? बोलिए ना सर। हम आपके फोन को टैप करेंगे, अगली बार जब वो आपको कॉल करेगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, कर सकते हैं ना? ओके सर। वो सर्जिकल शॉप वाले नंबर को ट्रैक करने को बोला था, उसका क्या स्टेटस है? चल रहा है सर, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स भी मंगवा लिए सर, जैसे वो सिम एक्टिवेट होगा हम उसे फौरन ट्रैक कर लेंगे सर। ओके, थैंक यू सर। गुड। सर सर। ओके सर, अभी निकलता हूँ सर। सर, हम जो नंबर टैप कर रहे थे वो एक्टिवेट हो गया है सर। हेलो साइना,
बोलिए सर। मेरा नाम सुधाकर है। मुझे हार्ट ऑपरेशन वाले सर्जिकल ब्लेड्स चाहिए थे, मुझे थोड़ा अर्जेंट है। जल्दी अरेंज कर सकती हो क्या? हाँ, हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दोपहर के 2 बजे आता हूँ। ओके, आप आइए सर। थैंक यू। सर, उस डेड बॉडी के पास मिले शू मार्क्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। ये शू मार्क्स वारंगल पुलिस डिपार्टमेंट के जूतों के हैं सर, और साइज 8। टोटल 8 लोग ये साइज पहनते हैं सर। 3 टाउन में 3, 6 टाउन में 3, 7 टाउन में 1, 2 टाउन में 1, और वो एक आप हैं सर। बेटा अनु। साईराम दामाद जी। अनु दामाद जी आ गए। कोल्ड ड्रिंक पियोगे क्या? मुझे नहीं पीना है। हाँ साईराम। पापा, गुड्डी को अंडे खाने हैं, आते वक्त ले आना। आ जाओ, खाना खा लेते हैं। जय साई देवा, जय साई राम, 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 जय साई देवा, जय साई। वो जूते मेरे हैं पापा। हाँ साईराम, सॉरी दामाद जी, मुझे लगा कि मेरे हैं। वो क्या है ना कि सेम साइज के हैं, सेम कलर है, तो कंफ्यूज हो गया। अलग कलर का लेना चाहिए था। जय साई देवा, जय साई राम। दामाद जी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, चिकन लाओ या मटन लाओ? आपको जो पसंद आता है लाइए। साईराम। अरे बेटा अनु। हाँ? आता हूँ। जल्दी आना पापा। जय साई देवा, जय साई राम, जय साई देवा, जय साई राम, जय साई देवा, जय साई राम। नमस्ते, मैंने आपको फोन किया था सर्जिकल ब्लेड्स के लिए। ओ, हाँ, हाँ, सर, ओके। हाँ, हाँ, ये पैसे ले लो।
ये विनीता, आप इस बच्ची को अंदर लेकर जाइए। चल बेटा अंदर चल। रफिक, क्रिश्चियन कॉलोनी में आ जा जल्दी। क्या हुआ सर? किडनैपर कोई और नहीं है बल्कि हेलो हेलो हुई गर्ल्स की इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स लेकर आओ। यस सर। मिसिंग केस फाइल सर। ये उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। रफीक, इस केस को मैंने स्टडी किया है। चौथे महीने से ही छोटे बच्चियों का किडनैप होना शुरू हो गया था, पर पिछले दो महीनों से ही किडनैप हुई लड़कियों का खून हो रहा है। मतलब यहां दो वारदातें हो रही थी, यानी दो क्राइम्स। पहला बच्चों को किडनैप करना, दूसरा किडनैप हुए बच्चों का हार्ट निकालकर उनका खून कर देना। रफीक, ये किडनैपिंग कब से शुरू हुई? 5 मई को सर, सेवन टाउन एरिया में पहली किडनैपिंग हुई। मई, जून, जुलाई, अगस्त। पहली लाश कहाँ मिली थी? 7 जुलाई को सर, हमें पहली डेड बॉडी मिली सर। मई 5 तारीख को किडनैपिंग शुरू हुई थी, पर पहला मर्डर जुलाई 7 को हुआ था। ये किडनैपिंग हर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुए हैं, पर मर्डर सिर्फ 2 टाउन पुलिस स्टेशन के एरिया में ही हुआ है। सीआई केशव कैसा आदमी है? केशव जी तो बहुत जेन्युइन है सर, और उन पर शक करना सही नहीं होगा सर। उस पर शक करने के मेरे पास 2 रीजंस हैं। केशव की ज्वाइनिंग डेट है जुलाई 2। केशव के आने से पहले सिर्फ किडनैपिंग ही हुआ करती थी, और केशव के आते ही मर्डर शुरू हो गए। और रीजन नंबर 2, ये जो स्पॉट पर मिला शू प्रिंट, वारंगल पुलिस स्टेशन का पुलिस वाले का शू, साइज नंबर 8, और इस स्टेशन में 8 नंबर का शूज केशव का है। यह है रीजन नंबर 2। केशव के अनाथाश्रम का नाम क्या था? कस्तूरीबाई ट्रस्ट ऑर्फन स्कूल, वाइजैक। हेलो,
वरंगल टू टाउन पुलिस स्टेशन से सीआई मोहम्मद खईम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या कोई केशव नाम का स्टूडेंट आपके आश्रम में पढ़ा है? केशव? हाँ हाँ याद आ गया, उसके माता पिता की मौत के बाद वो हमारे आश्रम में आया था। वो थोड़ा विचित्र स्वभाव का था, हमेशा अकेले रहता था, गुमसुम बैठा रहता था। उसकी इस आदत की वजह से उसे चिढ़ाते रहते थे। मैंने उसे बाकी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए कई बार कहा था। जब उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया तो मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा वो एक डिप्रेशन पेशेंट है। हाँ मुझे एक बात याद आई, उसे रोज स्कूल जाते वक्त कुछ बच्चे उसे बहुत तंग किया करते थे। एक दिन गुस्से में आकर उसने एक बच्चे का सिर फोड़ दिया। उसके बाद उसे पुलिस ने अरेस्ट करके वाइजेक बॉस्टन स्कूल में भिजवा दिया। वहाँ ऐसे बच्चों का इलाज होता है। फिर बाद में पता चला कि वो पढ़ लिख कर शायद कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करने लग गया था। थैंक यू सर। उन्होंने क्या कहा सर? वो पागल है रफीक। क्या हुआ? क्या हो रहा है? आप डॉक्टर? आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर आते होंगे। डॉक्टर रफीक सर, केशव इससे पहले कहां पोस्टेड था? खम्मम सर। सीआई केशव कैसा आदमी है? बहुत अच्छा आदमी है सर। केशव को ये घर छोड़े हुए कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए सर। 6 महीने हो गए? तो फिर बताओ ये घर अब तक खाली क्यों है? वो क्या है कि इस घर में सीआई सर की बेटी पावनी मर गई थी सर, इसीलिए उन्होंने अभी तक ये घर बेचा नहीं सर। लेकिन पावनी तो मरी नहीं, वो तो जिंदा है सर। स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल में मैंने ही एडमिशन करवाया सर। तो क्या केशव की 2 बेटियां थीं? नहीं सर, एक ही बेटी थी पावनी, और वो चल बसी। चल बसी? पावनी की मौत कैसे हुई थी? पावनी के महीनों तक ट्रीटमेंट चली थी सर। उसे कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज थी सर, ये बहुत ही रेयर बीमारी है। सही वक्त पर हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए तो वो चल बसी। ट्रीट करने वाला डॉक्टर कौन था? डॉक्टर रविंद्र। मुझे उनसे इमीडिएटली मिलना है। सर, लड़की के मरने के 4 दिन बाद किसी ने उस डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी। सुनो रफीक। सर, उसकी बेटी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर के मर्डर से जुड़ी सारी जानकारी मुझे अभी चाहिए। ओके सर। यार रफीक। सर, मरे हुए पेशेंट को ट्रीटमेंट देके लूटने वाले लोग तो हमने सिनेमा में देखे हैं, लेकिन ये मरी हुई बेटी को एडमिशन देकर स्कूल में नाम लिखाने वाली ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेडमिस्ट्रेस कौन है? कम इन। हाय मैडम, मैं हूँ खईम, टू टाउन का सीआई। हेलो सर। सीआई केशव की बेटी के बारे में? हमारे स्कूल में पढ़ती है सर। क्या आप उसे बुला सकती हैं? आज उनकी बेटी स्कूल नहीं आई है। मतलब क्या वो कल आई थी? हाँ कल आई थी सर। बेटी के कर्ली बाल हैं या सिल्की बाल हैं? कर्ली बाल हैं सर। ये लड़की कैसी है? अच्छी है सर, आपकी बेटी है? केशव की बेटी है।
उसकी बेटी को मरकर 6 महीने हो गए। मरी हुई बेटी को आपने स्कूल में एडमिशन दे दिया। कैसे पढ़ा रही हो तुम? एक्चुअली कोई बच्ची नहीं है सर। सीआई केशव अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आए थे, पर बेटी साथ में नहीं थी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। 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 पर बिहेव ऐसा कर रहे थे जैसे बेटी साथ में हो। प्रिंसिपल को हाय बोलो बेटा। उस दिन सीआई बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे, मैं डर गई थी, तो उनकी बेटी साथ में है, मैं भी ये नाटक करने लगी। हाय। बेटी को रोज स्कूल में ड्रॉप करने आते हैं, पर उनकी बेटी कभी साथ में नहीं होती। बाय। शाम को अपनी बेटी को रोज लेने भी आते हैं, बेटी साथ में है ऐसा बिहेव करते हैं। बेटी को चॉकलेट देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। मैं डर गई थी, इसीलिए सच बताने के लिए उनके ससुर को मैंने बुलाया। सर, आपकी बेटी और दामाद बच्ची साथ में है ऐसा बिहेव करते हैं, पर उनके साथ कभी कोई बच्ची नहीं होती। कंप्लेन करने जाऊं तो वो खुद सी आए हैं, इसलिए आपसे बात कर रही हूं। मेरी बेटी की और सोने जैसे दामाद की बेटी थी गुड्डी, उसकी वजह से हम पूरे परिवार वाले बहुत खुश रहते थे। दामाद जी, come on, come on, come on, दामाद जी, come on. चलो खेलते हैं ना, चलो खेलते हैं ना, चलो ना पापा, चलो ना, प्लीज। ठीक है, तुम्हारे साथ कट्टी, आज से मैं जाके नानू के साथ ही खेलूंगी। ए गुड्डी, चल आजा खेलते हैं। मामा, अब देखो जरा इसकी एक्टिंग। गुड्डी, 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 दामाद जी जल्दी आइए। गुड्डी, गुड्डी, डॉक्टर, इधर इधर इधर, डॉक्टर, डॉक्टर, हाँ इस तरफ इस तरफ। डॉक्टर, ये अचानक बेहोश हो गई, देखो तो। देखिए ना, लाइ खेलते खेलते बेहोश हो गई। दामाद जी, कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज, ये एक रेयर केस है। अगर 6 महीने में हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया तो आपकी बच्ची नहीं बचेगी। अनु, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। पर मेरे पास कुछ एक हार्ट डोनर्स हैं, भगवान की कृपा से आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। 100% मेरी देखरेख में वो ठीक हो जाएगी। हाँ। आपकी गुड्डी के ऑपरेशन के लिए इस लड़की का दिल पूरी तरह से मैच हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 3 दिनों में ऑपरेशन कर देंगे, आप पैसे तैयार रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। शुक्रिया सर। पेशेंट नेम? मेरी बेटी का नाम पावनी है। ओके सर।
आई एम सॉरी केशव। मेरे दामाद को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है। बेटी के मरने के बाद भी उसे लगता है कि बेटी जिंदा है, लेकिन गुड्डी मर चुकी है। किसी को मत बताना, नहीं तो वो मर जाएगा। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। जो है नहीं उसे देखने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन सर। हेलुसिनेशन। पापा। हाँ। इन्हें कॉफी दे दीजिए। हाँ। अनु, कुछ देर के लिए बाहर चली जाओ, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। ससुर दामाद मिलकर मुझसे सीक्रेट्स रख रहे हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पापा, मैं स्कूल जाकर गुड्डी को लेकर आती हूँ। संभल कर जाना। तो मुझे बताइए, मेरी इन्वेस्टिगेशन में तुम सस्पेक्ट हो। हाँ? प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए एसपी ने ऑर्डर दिया है। सर, 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 मेरे पति कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। सर, 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 मेरे पति ने कुछ नहीं किया। सर, आपसे कोई गलती हुई है। सर, सर, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। सर, 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 मेरी बात तो सुनिए। सर, सर, इस खेत को देखकर तुम्हें क्या याद आता है? एक लड़की की डेड बॉडी यहां पर मिली थी सर। पता है वो किसकी बच्ची थी? मेरी बेटी। मुझे सिर्फ दो चीज ही पसंद थी, पहला मेरी खाकी वर्दी और दूसरी मेरी बेटी हसीना। उसके नाम के जैसे ही हसीना, हमेशा हंसती रहती थी। हमेशा हंसने वाली मेरी बेटी, दूसरों को हमेशा हंसाने वाली मेरी बेटी, अपने जीवन के आखिरी क्षण में बिना हंसी के गई। वरंगल में मेरी बहन के घर गई मेरी बेटी, कभी लौट के वापस नहीं आई। किसी ने मेरी बेटी को यहां बेरहमी से मार डाला। किसी ने उसकी छाती काट के उसका दिल निकाल लिया। मैंने जानबूझकर तेरा एक्सीडेंट किया। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसपी से परमिशन लेकर मैंने टू टाउन स्टेशन में सीआई की पोस्टिंग ली। छोटे बच्चों को मारने वाले साई को तूने ऐसा क्यों किया? सर, आप गलत समझ रहे हैं। सर, सर, मैं कुछ कहूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। सर, मैं खूनी को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यकीन कीजिए सर। आप गलत समझ रहे हैं सर।
सर, अब मैं तुम्हें अभी इसी वक्त बताऊंगा जिंदा शरीर में से दिल निकालने से कितना दर्द होता है। बच्ची का नाम है विनीता, एज 8 इयर्स, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। वरंगल में हुई सारी बच्चों की हत्याएं सेम एज सेम ब्लड ग्रुप के थे। केशव का नेक्स्ट टारगेट ये बच्ची हो सकती है। तो इस बच्ची को हमें किसी भी हाल में बचाना है। रफीक सर, तुम लीड करोगे। यस सर। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताओगे। भाई एक मिनट रुक। सर, आप यहां पर क्यों? इन किडनैपिंग्स के पीछे कौन है मैं जानता हूं। कौन है सर? मेरे ससुर जी। आपके ससुर जी? और उसके पीछे भी कोई है। अगर वो जानना है तो उस बच्ची को बाहर निकालना होगा। जैसे ही वो बच्ची बाहर आएगी, मेरा ससुर उसके पीछे जाएगा और फिर हम असली किडनैपर तक पहुंच पाएंगे। क्या आप अकेले उस बच्ची को बाहर लेकर आ सकते हैं? चाहे मेरी जान चली जाए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, यकीन कीजिए। तुम्हें पौधों को पानी देना है क्या? विनी, मुंह खोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग विनी। एक और निवाला। गुड गर्ल। मम्मा मैं साइकिलिंग कर सकती हूँ। साइकिल वाइकल कुछ नहीं, चुपचाप खाना खाओ। कब तक घर में बैठा के रखोगी? अरे ये क्या दीदी, बच्चों को ऐसे डांटते हैं क्या? मैं हूँ ना इसके साथ। थैंक यू अंकल। लेकिन विनी गुड, संभाल कर सर। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ संभाल कर, संभाल कर। ठीक है, ऐसे ऐसे। गुड गुड गुड। हाँ बहुत बढ़िया। छोड़ दो ना, छोड़ दो प्लीज।
छोड़ दो ना अंकल, बचाओ मुझे, बचाओ अंकल, बचा लो अंकल, बचाओ बचाओ अंकल, हेल्प अंकल अंकल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो ना प्लीज, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैडम, पापा इसे मार दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? सर, सर, बच्ची। पापा वो पीछे आ रहे हैं, जल्दी पापा। हेल्प, बचाओ, 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 कोई बचाओ, अंकल हेल्प। रुक जाओ अंकल, बचाओ ना मुझे प्लीज अंकल। ए, गाड़ी रोक। अंकल, अंकल, अंकल। अरे ये क्या किया तुमने? छे। पापा वो मुझे कॉल कर रहे हैं। फोन उठा ले, बात कर। बोलिए। हाँ अनु, कहाँ पर हो तुम? मैं वेंकटेश स्वामी के मंदिर में हूँ। हाँ तुम वहीं रुको, मैं बस आ रहा हूँ। पापा वो कह रहे हैं कि मंदिर आ रहे हैं। तुम जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अनु, इसे अपने पास रखो, इसका ध्यान रखना। हुआ अभी क्या? बताने का वक्त नहीं है, इसे घर पर छोड़ कर आना। हे, हे! दमाजी मेरी बात तो सुनो। नहीं सुन लो। कितनी छोटी बच्चियां थी वो, उन्हें मारते वक्त तुम्हारा दिल कैसे नहीं कांपा? उन्हें मारते हुए हमारी गुड्डी भी याद नहीं आई आपको? ऐसा क्यों किया? क्यों किया था? तुमने क्या किया बताओ? हाँ, क्या किया तुमने? पुलिस ऑफिसर हो ना, सीआई, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मिस्टर केशव नायडू ने क्या किया और इस बाप ने क्या किया? कुछ नहीं। हम कितने खुश थे दामाद जी, इस जिंदगी से मैं बहुत खुश था, पर क्या हो गया, क्या हो गया? गुड्डी को खोने के गम में मेरी बेटी अनु सीढ़ियों से गिर गई। पापा, पापा। अनु, अनु, गुड्डी कहाँ है? मुझे क्या हो गया पापा? मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? सुनो जी, गुड्डी के लिए कोई डोनर मिल गया? बताओ ना
गुड्डी कहाँ है? गुड्डी इधर आओ। यहाँ आओ। क्या हुआ मॉम? वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ। तुम बॉल से क्यों खेल रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? पास आओ, सो जाओ। पापा, कम से कम आपको तो इसका ध्यान रखना चाहिए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपकी बीवी को बहुत गहरी चोट आई है, दिमाग के अंदर अंदरूनी चोट आई है। बेटी से जुड़ी मौत की यादें आपकी वाइफ पूरी तरह से भूल चुकी हैं। इसलिए आपकी वाइफ को बच्ची अभी जिंदा है, वो आसपास खेल रही है, ऐसा फील होता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। कोशिश कीजिए कि उनके दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस न पड़े। बेटी की मौत के बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। गुड्डी चली गई ये जानते हुए भी हम दोनों ने मिलकर गुड्डी हमारे बीच में ऐसा नाटक किया। और ऐसा क्यों किया तुम्हें पता है? ताकि अनु की जान बच सके। गुड्डी खा लो बेटा। बेटा ये लो खा लो। अनु मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आता हूँ, ठीक है? तुम स्टेशन जा रहे हो? पापा, पापा को कुछ पड़ी नहीं है। 3 महीने में ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी बेटी मर जाएगी। कोई परवाह नहीं किसी को। मेरी बात सुनो। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। अरे अनु बेटा, मेरी बात सुनो। बेटा मेरी बात तो सुनो। देखो मैं डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी। हेलो डॉक्टर, हमारी बेटी के लिए हार्ट डोनर मिल गया क्या आपको? चिंता मत करो, गुड न्यूज है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ये सारी बातें तो तुम जानते हो, पर एक बात ऐसी है जो तुम नहीं जानते। अगर तुम्हें बताया तो तुम क्या सोचोगे, ये सोचकर ही मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। गुड्डी 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 की मौत के बाद डॉक्टर आनंद ने हमें हॉस्पिटल में बुलाया था। सर बहन जी, तुम्हारी बेटी की मौत फेल्ड ऑपरेशन की वजह से नहीं हुई थी। तुम्हारी बेटी को दिल की बीमारी नहीं थी बहन। हाँ शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बेटी को नहीं, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी। साहिरा। गुड्डी ये क्या हो गया? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कोई है जल्दी आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मेरी बेटी वापस दे दे। तुम्हारी बेटी दिल की बीमारी से नहीं मरी थी, और मेरी बेटी को उस डॉक्टर ने धक्का मारा था। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम गुस्से में आकर उस डॉक्टर के साथ क्या करते हैं यही सोचकर चुप रहा। मार फेंक दो इन्हें। पर उस डॉक्टर का कुछ तो करना था। क्या करता मैं, क्या ठंडी करने के लिए क्या करता मैं? हाँ
जब इंसान को तकलीफ होती है तब वो मंदिर जाता है, जब बीमार होता है तब हॉस्पिटल जाता है। पता है क्यों? मंदिर में बैठे भगवान के सामने माथा टेकने से तकलीफ दूर होगी या नहीं पता नहीं, पर हॉस्पिटल का डॉक्टर मरने वाले को भी जिंदा कर देगा, ऐसा मन में विश्वास होता है। और इस विश्वास को तूने तोड़ा है डॉक्टर। All doctors are not God. I hate you, doctor. दवाई लेने के बाद भी गुड्डी बीमार है और वो उसे बचाने के भ्रम में जी रही है। बेटा अनु, अनु क्या कर रही हो? अनु, पापा, अनु, पापा छोड़ो मुझे, अनु बेटा छोड़ो मुझे, मर जाना, कोशिश करो, मेरी बेटी को कोई ऑपरेशन। मैं अपनी गुड्डी को वापस नहीं ला सकता था, इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने गुड्डी का ऑपरेशन कराऊंगा, ऐसा उससे वादा किया। गुड्डी के ब्लड ग्रुप की 8 साल की बच्चियों को मैंने किडनैप किया। बच्चों का ऑपरेशन करवाने के लिए हमने डॉक्टर त्रिपाठी को भी किडनैप किया। उस डॉक्टर के बेटे को मार देंगे उसे ऐसी धमकी देकर। उस डॉक्टर से सारे ऑपरेशंस मैंने करवाए। मेरी बेटी के लिए 100 दिल भी निकालने पड़े तो निकालूंगा, उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी करूंगा। अनु, बच्ची कहाँ पर है? बच्ची इधर ही तो बैठी है, बच्ची के लिए जूस बना रही हूँ। मैं तुम्हारी बेटी गुड्डी की बात नहीं कर रहा, मैंने जो बच्ची तुम्हें दी थी उसकी बात कर रहा हूँ। पता चल गया तुम्हें, मैंने बच्ची को कपड़े के बॉक्स में छुपा रखा है। जब पापा आएंगे तो पापा से बोलकर गुड्डी के दिल का ऑपरेशन करवाऊंगी। अगर ये बात मैं तुम्हें बता देती तो तुम मेरी बात नहीं मानते, इसलिए गुड्डी को बचाने के लिए। हमारी बेटी गुड्डी मर चुकी है पागल औरत, भाग जा। उठ जा, उठ जा बेटा। क्या कहा, गुड्डी मर गई है? गुड्डी वहां जूस पी रही है, दिखाई नहीं देता। मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल हूँ क्या?
केशव आया था? नहीं सर। तुम्हारे पति ने छोटे बच्चियों का बेरहमी से खून कर दिया है, अब उसने एक बच्ची को किडनैप किया है। उसकी माँ के बारे में सोचो, तब तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा पति कितना बेरहम है। अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना, एक बच्ची की जान अब तुम्हारे हाथों में है। सुनिए सर, वो किसी का खून नहीं कर सकते, वो बेगुनाह है सर। बेगुनाह है या नहीं, कोर्ट इसका फैसला करेगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिले तो हमें तुरंत बता देना। आज के बाद से मैं एक भी बच्ची की मौत नहीं होने दूंगा। गुड्डी, अंकल को बाय बोलो। बाय अंकल। गुड्डी, अंकल को बाय बोलो। ठीक से लिखो, रोज टीचर की कंप्लेंट आती है। अगर ठीक से होमवर्क नहीं किया ना तो मारूंगी मैं तुम्हें। गुड्डी के पीछे पड़ा है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चिंता मत कीजिए सर, उन्हें ढूंढने गए हैं, मेरा यकीन कीजिए। मम्मी, विनय, 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 प्लीज इसे अंदर ले जाइए, पानी पिलाइए इसे। कैसे हो? चलिए अंदर ले जाइए, जाइए अंदर। थैंक यू सर।
दीदी, इनके बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं दीदी, उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अगर मिले तो सरेंडर करने को कहिएगा। बच्ची किडनैप हुई थी बोल रहे थे। अभी आई है, अपने पेरेंट्स के साथ अंदर है। अब मैं एक बार उस बच्ची को मिल सकती हूँ? हाँ, आप अंदर जाइए ना। सुनिए जी, जल्दी रेडी हो जाइए, बेटी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैंनी? मैं सीआई केशव की पत्नी हूँ। हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते मैडम। बच्ची को क्या हुआ? हेलो, बच्ची सेफली घर पहुँच गई है सर, आपको बताने के लिए कॉल किया। उधर सीआई केशव की बीवी आई है। अभी आई है सर, अंदर ही गई है वो। इसे थोड़ा बुखार है, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। हॉस्पिटल लेकर जाएगा? बच्चों को मारने वाली खूनी वही औरत है, वो बहुत ही खतरनाक है। चांस मिलते ही उसे शूट कर दो। हट जाओ। कुछ मत करना। रुको। दीदी प्लीज, बच्चे को छोड़ दो। दीदी क्या बोल रहा है बेवकूफ? शूटर। मेरी गुड्डी को बचाने के लिए इसका दिल चाहिए मुझे रफीक। बावनी मर चुकी है। गुड्डी मरी नहीं है रफीक, तुम तो इस बात को समझ सकते हो ना। प्लीज दीदी, रास्ते से हट जाओ। बच्ची को छोड़ दो दीदी। हट जा रफीक। रफीक, रफीक। मेरी बेटी को मरी हुई बोलता है, तू मर जा। यहां से निकल रहा हूं फास्ट। ए वेनु सर, नर्स गीता अजी सुधी अभी केम नथी? काम पे आने में उसे डर लगता है सर। टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे हैं क्या? हर टाइम वीडियो कॉल करते हैं इसलिए डरती है वो। अरे वीडियो कॉलिंग ही तो करते हैं, बीजू काहे थोड़ी ना करिए छे। डॉक्टर, डॉक्टर। बेंजी आप? डॉक्टर। आप सीआई की मिसिस है ना? हाँ डॉक्टर। सूत है हूं। मेरी बेटी अचानक बेहोश हो गई है। अरे बाप रे। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, चलिए ना डॉक्टर। मारी बेटी ले आओ, जल्दी चलिए, चलिए। बहन जी, वरंगल से 5 किलोमीटर आगर आ भी गया, आपके घर नहीं पहुँचे अब तक। बस पहुँचने ही वाले हैं। बच्ची इतनी दूर कैसे आ गई मैडम? खेलते खेलते इतनी दूर आ गए। हेलो सर, एक नंबर भेज रहा हूँ, अर्जेंटली उसे ट्रैक करके इन्फॉर्मेशन भेजो। अपनी बीवी का नंबर बताओ। बोलो शेखर। सर, आपके भेजे हुए नंबर का लोकेशन शेयर कर रहा हूं सर। डॉक्टर साहब, मेरे पापा। पापा? हाँ बेटी। ये डॉक्टर। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। बहन जी, आपकी बच्ची यही है ना? ये मेरी बच्ची नहीं है डॉक्टर। तो बच्ची? गुड्डी। यहाँ आओ। पापा, मेरी बेटी को ऊपर बिठा दो। बहन जी, आप दोनों कौन सी बच्ची की बात कर रहे हो? मेरी बेटी की। मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। डॉक्टर, मेरी बेटी के दिल में दर्द हो रहा है, ऑपरेशन जल्दी कर दीजिए डॉक्टर प्लीज। ऑपरेशन? जी हाँ। इस बच्चे के दिल को
मेरी गुड्डी में डाल दो। क्या? जल्दी कीजिए डॉक्टर, प्लीज। सर सर सर, वहाँ देखिए। ए मेनू, गुलाब जामुन को जैसे चाशनी में डुबो कर रखते हैं, वैसे ही इसने इंसान के दिल को डुबो कर रखा है। इसने भी यही कहा कि बच्ची नहीं है, बच्ची नहीं है। कितनी बार बोला है, तेरी बच्ची मर चुकी है, मर चुकी है। इसलिए पापा को गुस्सा आया और मार दिया। डॉक्टर, मेरी बेटी का ऑपरेशन करोगे ना? हाँ बहन जी, जल्दी करो। भले भले, कर जल्दी। बहन जी, बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्लास 3 में है डॉक्टर। वाह जी, बहुत प्यारी है। वो पैर है, सर उधर है। अरे बच्ची, प्यारी दिखती हो या न्यारी दिखती हो, तेरे को क्या करना है? ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो तेरा जलेबी और फाफड़ा निकाल दूंगा। ऑपरेशन शुरू करो। पापा, अनु कहां पर है? डॉक्टर अनु कहां है? अनु, अनु, बोलिए जी। अनु, 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 ये क्या कर रही हो तुम? सुनिए जी, मेरी गुड्डी को बचाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, प्लीज मुझे मत रोको। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारी गुड्डी मर चुकी है अनु, हमारी गुड्डी मर चुकी है। ये माचिस की तिल्ली जैसा दिखने वाला आदमी कौन है? वो ना सीआई केशव सर है, और वो उनकी बीवी है, और वो उनके ससुर। इस अदृश्य बच्ची के बाप वही है सर। इस गांडा फैमिली में एक ही समझदार लगता है मेरे को। मेरी गुड्डी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें दिखती नहीं है क्या? अनु, वहाँ पर कोई नहीं है, इस हकीकत को मान लो। पता नहीं तुम्हें कैसे समझाऊं, कम से कम आप तो उसे समझाइए। मर गया। हमारी बेटी मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। अनु, बोला ना एक बार मेरी बेटी जिंदा है, सुनते क्यों नहीं हो तुम? मार दूंगी मैं तुम्हें। अरे इसने तो अपने आदमी को ही मार दिया, अपना तो ढोकला बना देगी। पापा, मार दो इसे, मार दो इसे पापा। जल्दी चल, जल्दी चले चल, कम से कम बच्ची को तो बचा लेंगे। अरे बाप रे। ए डॉक्टर, संभाल ही रहे, ला इधर। Ah
बच्ची को मुझे दे दो। बहन जी, बच्ची है ये। ऑपरेशन नहीं किया तो मेरी गुड्डी मर जाएगी। तुम भी तो मेरी डिग्री जैसी हो ना। छोड़ दो इसे, जाने दो। मुझे ये बच्ची वापस दे दो डॉक्टर। इस बच्ची को जाने दो बहन जी। बच्ची दे दो। सीआई सर, गुड्डी का ऑपरेशन करना है। हट जाओ रास्ते से, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। रुको, हट जाओ मेरे सामने से। मैं मार दूंगी इसको। बच्ची को कुछ मत करना। अगर उस बच्ची को कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। सीआई सर, मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगी। मेरी बच्ची को कुछ मत करना, मैं छोड़ दूंगी इसे। मेरी बच्ची को मत मारना। अगर मेरी गुड्डी नहीं बची तो मैं इस बच्ची को भी मार दूंगी। इसे मुझे दे दो। छोड़ो इसे, बच्ची को दे दो मुझे। छोड़ो इसे, छोड़ दो इसे। मुझे अपनी बच्ची को बचाना है। छोड़ो, छोड़ो। मैंने कहा ना छोड़ दो इसे। अनु छोड़ो, छोड़ो इसे। आ, 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 आ। बच्ची का ध्यान रखना। हम पूरी जिंदगी आपके आभारी रहेंगे सर। अरे
बाय। डैडी को बाय बोलो। बाय डैडी। बाय गुड्डी। SMS Creations, LLP, Production Number 2,